Good morning, my dear students. I am Aman, your English teacher. Today we will learn about lesson 11 questions. Let's start today's work. There are two types of questions: yes no questions and WH questions. Questions two type ke hote hain. Ek hote hain yes no question, jinka answer yes ya no mein diya ja sakta hai, aur dusre hote hain WH questions. Aaiye inke bare mein jante hain. यस नो क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो. यस नो क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे दे सकते हैं, यस में या नो में. दे बिगिन विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से वे शुरू होते हैं. इज ही कमिंग टुमारो, डू यू गो टू स्कूल बाय बस, क्या वह कल आ रहा है, क्या तुम स्कूल बस के द्वारा जाते हो. तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हैं, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. नेक्स्ट, WH क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यस नो. दे बिगिन विथ हु, विच, व्हाट, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई. WH क्वेश्चंस मींस कि ऐसे क्वेश्चंस जो किससे स्टार्ट होंगे, हु से, विच से, व्हाट से, हुम से, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, WH क्वेश्चंस, और इनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते. एग्जाम्पल से समझेंगे. व्हेन इज ही कमिंग, वह कब आ रहा है. हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो. दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता. इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, व्हेन से, हाउ से. अब आपने यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस को सीख लिया है, अब इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में. फर्स्ट है यस नो क्वेश्चंस. एज स्टेटेड अबव, यस नो क्वेश्चंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. द ऑक्सिलरी वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट. क्या करना है आपको, यस नो क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे करनी है, ऑक्सिलरी वर्ब से, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी है. और हेल्पिंग वर्ब किससे पहले यूज करना है, सब्जेक्ट से पहले. एग्जाम्पल से समझेंगे. शी इज रीडिंग, तो आप इसे यस नो क्वेश्चन में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है इज. आपने राइट किया इज, आई कैपिटल लेंगे आप इसमें इज. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आपने यूज कर लिया, अब यूज करेंगे सब्जेक्ट शी. यहां आप शी में एस स्मॉल रखेंगे, इज शी, और उसके बाद वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है. इसी वजह से बाकी सेंटेंसेस को आपने करना है. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी वर्ब बी, एम, इज, आर, वाज, वर ऑल्सो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. बी के ये सारे रूप हैं, ये भी आपने कहाँ यूज करने हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज करने हैं. हमेशा आपको सब्जेक्ट से पहले इनको जो है यूज करना है. शी इज एट होम, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है इज, आपने राइट किया इज, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे शी, और उसके बाद एट होम. Is she at home? क्या वह घर पर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर डालना है. नेक्स्ट, इफ देयर आर टू और मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स, द फर्स्ट वन कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. यदि दो या दो से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा हैं, तो आपको क्या यूज करना है, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट से पहले. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन वॉकिंग ऑल डे. यहाँ हैज और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना है फर्स्ट वाला जो कि हैज है. तो हम राइट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से हैज, देन यूज करेंगे सब्जेक्ट ही, और उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद. बीन वर्किंग ऑल डे क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन वर्किंग ऑल डे. नेक्स्ट, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू डज. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या यूज करना है, डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और अब सीखेंगे इसे यूज करना. दे नो हिंदी, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें उसकी पहचान करनी है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं. तो कैसे करेंगे, उसके वर्ब को देखकर. नो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसीलिए हमें पता लग जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है, और इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, डू और डज. दे नो हिंदी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दे है, प्लूरल है, प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे आप, डू,
और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप यूज करेंगे डज। फर्स्ट है आपका जो सेंटेंस दे नो हिंदी, यहाँ दे सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपने डू यूज किया, डू उसके बाद दे सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रखनी है। यदि आप डू लगाएंगे तब भी, डज लगाएंगे तब भी, डिड लगाएंगे तब भी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है हिंदी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड, सिंपल पास्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करना है। कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है? आपने सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और उसकी वर्ब देखनी है। अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म दे रखी है आपको वर्ब की, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और स्टार्टिंग करेंगे डिड से, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड के बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट डिड, उसके बाद ही फिनिश्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, यहाँ आप फिनिश यूज करेंगे। मैं अभी आपको बताया कि सेंटेंस में डू हो, डज हो, डिड हो, लाइक फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है आपने सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड ही फिनिश द वर्क? नेक्स्ट WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन WH क्वेश्चंस द ऑक्सिलरी वर्ब यूजुअली कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। इसमें क्या करना है आपने, WH क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट से पहले। इफ देयर इज मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब द फर्स्ट वन इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। यदि एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब है तो आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है? फर्स्ट वन, पहले वाला, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे, यू विल बी मीटिंग देम। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी, लेकिन आपने क्या यूज करना है? फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको करनी है वेन से, राइट किया आपने वेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? पहले वाला विल, when will, then use करेंगे subject you, when will you, second वाला helping verb कौन सा है? be, उसके बाद meeting them, question mark, when will you be meeting them, you have been waiting। यहाँ देखिए have और been दो helping verb है, लेकिन आपको first one use करना है पहले। तो sentence की starting करेंगे how long से, how long, उसके बाद क्या लेंगे? have, subject लेंगे you, then been waiting, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। नेक्स्ट, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज डू डज, इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड। अभी आपने पढ़ा यस नो क्वेश्चंस में भी आपने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डिड। और WH क्वेश्चंस में भी यही है, दे ओपन द शो, और आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग वेन से करनी है, तो आपने राइट किया वेन, और उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? डू डज का यूज़ करेंगे। और आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो आपने देखना है वर्ब की फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ओपन फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सब्जेक्ट है दे, तो आप यूज़ करेंगे डू, वेन, डू, दे, फर्स्ट फॉर्म, ओपन, द शो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का जो है सेंटेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिड। सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे वेन से, और उसके बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, वेन डिड, सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन, वेन डिड द ट्रेन, और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप यहाँ पर अराइव, अराइव्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि सेंटेंस में डू, डज, डिड है तो आपको क्या यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ यू हैव टू रिवाइज एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।